दहशत और दंगे के मुख्य आरोपी के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर सैफी यूपी के अमरोहा के पोरारा गांव के रहने वाले हैं। और जब ताहिर सैफी के पुराने पते पर समाचार एक्सप्रेस की टीम पहुंची तो ताहिर के पैतृक मकान में रह रहे मौजूदा मकान मालिक खलील अहमद से ताहिर सैफी के तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। यह रह रहे लोगों से ताहिर सैफी के बारे में जानकारी ली गई। यह तस्वीरें यूपी के अमरोहा के हसनपुर तहसील इलाके के पूरा गांव की है, जहां पर तहसील सैफी का परिवार इसी मकान में रहता था। ताहिर सैफी के अमरोहा कनेक्शन की परत दर परत जानकारी जुटाई तो सबसे पहले तो ताहिर सैफी का यह जो 20 साल पुराना मकान, जिसे ताहिर सैफी ने दिल्ली शिफ्ट होने के बाद बेच दिया था, आज उसमें एक परिवार रहता है। और परिवार का दावा है कि ताहिर सैफी का यह मकान आज भी जस का तस है, इसमें खरीदार ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। दरवाजों से लेकर छत तक ताहिर सैफी और उसके परिवार के लोगों की बनाई हुई है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। यहाँ जो अधिकारी आते हैं बार बार पूछते हैं हमसे, ये कहते हैं कि यहाँ ताहिर हुसैन जी यहाँ से कितने साल हो गए गए हुए और कैसे कैसे गए। ताहिर हुसैन को यहाँ से गए हुए 27-28 साल हो गए बल्कन, और उसी के बाद में हमने ये मकान लिया है। कम से कम 8 साल, कम से कम 27 साल के बाद में ही मकान लिया है ये। कितने का मकान खरीदा? ये मकान 2,70,000 रुपये का खरीदा है साहब, और उसी के बाद में यहाँ से चले गए हैं। और वो अपना लकड़ी का व्यवहार करते थे, ये जो व्यापार है या अपना वैसे ही फर्नीचर का काम करते थे, वो यही काम रहा उनका। मशीन भी थी उनके पास में, आरा मशीन, ये काम उनका पहले से रहा। और ये जो इनकी पहली घरवाली से हैं ये ताहिर हुसैन, और ये दूसरी घरवाली रहीं इनके कल्लू हाजी के घर में। इनकी दो मम्मी थी, पहली मम्मी ख़त्म हो गई थी और बाद वाली मम्मी से भी व्यवहार अच्छा रहा था इनका, ऐसी कोई बात नहीं थी। झगड़ा इनमें आपस में कभी भी नहीं हुआ और यहाँ गांव वालों से भी ये झगड़ा नहीं हुआ ऐसा खास। तो यहाँ आर्थिक स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थिति यहाँ की अच्छी थी। यहाँ तो शुरू से ही लकड़ी का काम करते थे जैसे हम लोग करते हैं। क्या एजुकेशन थी? एजुकेशन बढ़िया थी यहाँ की। कितने तक पढ़े हुए थे? तो यहाँ पढ़े हुए तो कम से कम 8वीं तक थे वो। बाकी जो कल जो दिल्ली पुलिस ने डेरा है डाला है, कितने समय तक आई, क्या क्या बातचीत हुई? दिल्ली पुलिस यहाँ लगभग 2 घंटे रही हमारे पास में और पूछताछ की। जो भी ये आपको डिटेल बताई है मैंने, यही पूछताछ की गई उनके यहाँ ज़मीन कितनी है, जगह कितनी है। तो हमने बताई 3 बीघे ज़मीन है उनके पास में फ़िलहाल में इस टाइम, और 5 बीघे ज़मीन और है उनकी जो उनके भाई ने स्कूल के लिए ले रखी है वो। कितने परिवार के सदस्य थे? ये परिवार के सदस्य जी 10-12 लोग थे ये परिवार में, अपने में सब बहन भाई सब दोनों से ही। तो कितने समय से आपके उनके बीच में बात नहीं हुई फोन के माध्यम से या आना जाना? सब वो 4 महीने हमारे भैया की घरवाली खत्म हो गई थी, वो आए थे यहाँ सगरे सब, यहाँ तो उनका आना जाना बना ही रहा। उसके बाद फोन के द्वारा कोई नहीं, और नहीं। कोई बात नहीं हुई उनसे फोन के बाद में, उसके बाद में यहाँ से फोन द्वारा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.